वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की केवीएस की एक अच्छी तैयारी चल रही है। करंट अफेयर्स की सीरीज का आज जो है जुलाई का महीना आपका होने वाला है। 6 महीने की मैंने आपको पूरी करंट अफेयर्स दोस्तों करा दी है, दिसंबर से लेकर के आपकी पूरी जुलाई, 6 महीने की करंट अफेयर्स पूरी करा दी है। किसी दिन इसी की मैराथन क्लास भी लेकर इसको खत्म कर दो, उसमें से भी कुछ निचोड़ निकालकर, जिससे कि आपके जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी, नहीं तो वैसे सारे यार इम्पोर्टेंट ही है। कुछ भी अगर छूट गया और ना फंसा तो आप कहेंगे सर इम्पोर्टेंट वाले में नहीं फंसा या उससे नहीं फंसा है ना, इसको थोड़ा सेट करूंगा यार माइक, क्या दिक्कत दे रहा है। ठीक है, आवाज सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी भाई साहब चीजें हैं आपके लिए, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, समझते हैं आज की क्लास को और बहुत अच्छे से जो है इस क्लास को भी हम लोग, जैसे पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये देखिएगा केवीएस पीआरटी की जुलाई 2022 की 30 डेज की है और ये क्लासेज हो चुकी, मैराथन क्लास हो चुकी। कल आपकी जीके की मैराथन क्लास होनी है तो उसके लिए तैयार रहे। ठीक है, और ये रहा क्विज हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको कल इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नारी को नमन योजना किस सरकार में शुरू हुई, किस सरकार ने शुरू की। तो दोस्तों ये जो सरकार थी ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश। आप कुछ चेक भी कर सकते हैं आप अगर कमेंट करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के इस टाइम आप बताएं कि मुख्यमंत्री अभी जो चुनाव हुए कौन है, सुखविंदर सिंह। छोटे छोटे पॉइंट ही आपके लिए काम देंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम अगले प्रश्न की तरफ चले, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो सिन्नी सेट्टी कर्नाटक ने जीता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले, भारत और किस देश के बीच, ये आया हुआ प्रश्न है आपके पीटी में, आया UPSSC पीटी के एग्जाम में, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी, तो ये था भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग समझ ले। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में आपका शीर्ष रहा गुजरात और कर्नाटक। तो स्टार्टअप रैंकिंग में 2021 में कौन शीर्ष रहा, तो गुजरात और कर्नाटक। और पूर्वोत्तर अगर हम राज्य में बात करें तो आपका मेघालय रहा, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है, तो परीक्षा संगम जो है आपके CBSE, ठीक है, CBSE के हेड अगर आपसे मैं पूछ दूं तो इस समय कौन है, निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर, ये छा बना दीजिए। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, तो ये आपके क्या बनारस में, जो इनका संसदीय क्षेत्र है, और अभी यहां से बनारस से और क्रूज सेवा चालू की असम के बीच। ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया, देखिएगा अभी आपको कल मैंने प्रश्न पढ़ाया था भुज गुजरात में, जहां पर पहले उसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था, तो मानगढ़ की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और यहाँ की जो है बहुत सारी योजनाएं इस समय, इंदिरा गांधी हो गई और लाडली लक्ष्मी आई थिंक है 2.0, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर चालू हुई है राजस्थान में, और यहाँ पर चुनाव है इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा तेजी है। हाल ही में चर्च और राजस्थान की अगर पूछ दे तो पाली राजस्थान में जैन धर्म के, मैं बता दूं, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस। अब आप सोचेंगे कि सर स्टैचू ऑफ पीस तो एक श्रीनगर में, अभी आगे प्रश्न आ रहा है वो उसी के बाद, ये है पाली में। ठीक है, और पाली की मेहंदी को भी GI Tech में, ये सारी चीजें हैं, राजस्थान काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार। हाल ही में चर्चित में रही पुस्तक गेटिंग द बेड द जैन डू क्या द जैन जेट वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है, प्रार्थना बत्रा ने लिखी, अच्छी पुस्तक है, आप लोग देख सकते हैं। किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकिन लिख दिया सुनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री और इलेक्ट्रीशियन मंत्री मतलब विद्युत यांत्रिकी के भी है। ठीक है, G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अमिताभ कांत जो पहले CEO रहे, किसके, नीति आयोग के। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी राम, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजमाचार्य, यही आप सोच रहे होंगे कि सर उससे कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, तो देखिएगा यहाँ पर गृह मंत्री स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो है श्रीनगर, लेकिन ये देखिएगा स्वामी रामानुजमाचार्य की है, लेकिन मैं आपसे जैन धर्म की अगर पूछूं तो पाली राजस्थान में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है,
स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता वाली, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो केवल ये गुजरात में है, जो है साधु बेट द्वीप पर है, उनकी जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो है संत रामानुजमचार की, ये लिख लेना, संत रामानुजमचार, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रामानुजमचार, ठीक है। और ये कहां पर है, तो आप हैदराबाद, हैदराबाद में ये आपके है, ठीक, ये हो गया। और अगर हम आपसे पूछूं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है, तो ये लातूर महाराष्ट्र में है, और ये आप कमेंट कर कर बताएं किसके लिए बनी, ये आपको कमेंट करना है थोड़ा सा, ठीक है, आप भी मेहनत करिए, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, तो किसके लिए बनाएंगे ये आप बताइए। खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ, खारची उत्सव त्रिपुरा में शुरू हुआ, त्रिपुरा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो मानिक शाह हैं। बात बाकी और भी आपको जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मानिक शाह, ठीक है। और आपका जैसे फूलो बथुकम्बा कहाँ का है, ठीक है, बथुकम्बा का हो गया। उत्तराखंड का एक है आपका, क्या है, उत्तराखंड के त्योहार आप बता दीजिए थोड़ा सा कमेंट करके, उसका मैं बता रहा था किसका यार, फूलों का त्योहार, बथुकम्बा, बथुकम्बा, बथु कम्मा, ठीक है। ये फूलों का त्योहार है, तेलंगाना है, पोंगल है तमिलनाडु का, बहुत सारे त्योहार, पूरी सीरीज में एक दिन करवा दूंगा जिसमें आपको सारे जो है त्योहार देखने को मिल जाएंगे। हाँ मैं बताने जा रहा था हरेली और हरेला, हरेला जो है, ठीक है, उत्तराखंड का, हरेली छत्तीसगढ़ का है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद अगर हम बात करें उप मुख्यमंत्री, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी। अगले प्रश्न की तरफ चले, आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन होती है, तो गीता गोपीनाथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विमंडन पुरुष एवं महिला खिताब जीत देना, तो ये मैंने आपको एक दिन बहुत अच्छे से दोस्तों बता दिया, IFWU, AFWU, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और फ्रेंच ओपन, विमल्डन, ठीक है, और ये यूएस ओपन, ठीक, ये हो गए ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था, ठीक है। ये देखिए विमल्डन खेला जाता है घास पर, और ये दोनों खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। और ये जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले में खेला जाता है, अर्थात मट्टी में खेला जाता है, तो ये हो गए आपके सारे, ठीक है। तो विंबलडन का पूछ रहा है, तो विंबलडन का जो सटीक आंसर होगा, नोवाक जोकोविक एवं एलिना रिवकिना, ये है मतलब महिला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि विश्व जनसंख्या दिवस में दोस्तों क्या हुआ था, तो 1985 में हुआ ये था भाई साहब कि हम लोग 5 अरब, 11 जुलाई 1950 को 5 अरब पूरे, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई, तो इसलिए ये मनाया जाने लगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, केंद्र की नई शिक्षा नीति को, ये पूछ रहा कि प्री प्राइमरी में, कक्षा शिशु से लेकर कि 2 तक प्री प्राइमरी पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड की राजधानी आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले, किसने जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है आपके नारायण कुमार राणे, ठीक है। और अगर आपसे पूछू जापान के प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया, शिंजो अबे, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण भी मिला, और उसके सबसे लंबा कार्यकाल वाले भी वही रहे शिंजो अबे, और इस समय फूमियो किसिडो, फूमियो किसिडो ये यहाँ के मुख्यमंत्री, अरे सॉरी प्रधानमंत्री, ठीक है, किसी को। अगले प्रश्न की तरफ चले, सूचना अनुसार कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा, तो ले लद्दाख, ले लद्दाख, ठीक है, ये आप जानते होंगे 31 अक्टूबर 2019 को अलग होते हैं जम्मू, जम्मू कश्मीर और ये, ठीक है। तो इस समय जो है लद्दाख के कौन है, राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल है, राधा कृष्ण माथुर। और अगर हम जम्मू की बात करें, तो जम्मू के आपके हैं मनोज सिन्हा। किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की, योजना काफी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, त्रिपुरा कौन सा खारची त्योहार मनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाए, तो 15 जुलाई को मनाया जाता विश्व युवा कौशल दिवस, युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्व ने ये चालू किया था, ठीक है। सूचना अनुसार कौन सा शहर SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखा है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर जो है, और ये आपको PDF कहां पर मिलेगी,
पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, देखिए मैंने चला दिया, देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगी। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी तो वो होगी आपकी वाराणसी। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको मैंने थोड़ा जल्दी निपटा दिया। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन वाराणसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लेना। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस। देखिएगा नेशनल मंडेला जो थे, इनकी एक पुस्तक की एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत पूछता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। और ये विदेशी भी थे जिन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला, ये आप भी लिख लीजिएगा कि इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया, ये विदेशी भी थे, ठीक है। और एक थे अब्दुल गफ्फार खान, वो भी विदेशी थे, उन्हें मिला था लाल कुर्ती दल की जिन्होंने स्थापना की थी, और जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता, तो वो भी वही है, ठीक है। FIH फेडरेशन इंडियन हॉकी महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता, तो नीदरलैंड ने दोस्तों जीता। अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरू की है, तो डिजिटल लोक अदालत दोस्तों जो है शुरू की है आपने किसने, राजस्थान, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले अगर हम, 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार जो है विश्व शतरंज दिवस भारत में मनाया गया, कहां, चेन्नई, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा, तो जापान सबसे शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान 27वां रहा, इस बात को हेनले पासपोर्ट से अक्सर पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले, केंद्र सरकार ने एमएसपी व्यवस्था, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, व्यवस्था को मजबूत करने के गठित समिति को अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, संजय अग्रवाल को। अगले प्रश्न की तरफ चले, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूलन राज्य का पुरस्कार इस बार जो है एमपी को मिला, पिछली बार आई थिंक उत्तर प्रदेश को मिला, तो इस बार मध्य प्रदेश को मिला है, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है, तो कमल हसन जी को, जो तो अपने साउथ के अच्छे खासे अपने बड़ा ब्रांड है, जिनकी बेटी श्रुति हसन, ठीक है। 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा, 33वें स्थान पर रहा, और प्रथम स्थान पर दोस्तों इस बार अमेरिका रहा, इस बात को भी बहुत अच्छे से आप लोग नोट कर ले, जो पॉइंट्स हैं वो मैंने वहीं पर लिख दिए। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा जीता, तो रजत जीता, और इनके लिए एक दिवस मनाया जाता, कल ही मैंने बताया था 7 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त को क्या मनाया गया, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि उस दिन नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, तो इसलिए उनको जो है मनाया जाता है। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, इसलिए 7 अगस्त को विश्व हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, हथकरघा दिवस, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता, कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई 1999, ठीक है, नल्ला पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई, इसलिए मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले, गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल, यहां से यह भी आपको पता चला कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का कहां हुआ था, गुजरात में हुआ था, लोगों में कौन सा जानवर शामिल है, तो सिंह शामिल है, शेर, ठीक है। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का कमेंट आप कर बताएं, इस समय कौन बने, पहले तो अपने दादा थे अर्थात सौरव गांगुली थे, लेकिन अब बदल गए। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना, तो मास्टर कार्ड बना, इंपॉर्टेंट है। और बीसीसीआई का मुख्यालय का ये भी आप बता सकते हैं, मुंबई है, और आईसीसी का दुबई, ठीक है। भारत में कितने नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया, तो 5 रामसर स्थलों को शामिल किया है भारत में, कुल इनकी संख्या 75 हो गई। 44वां चेस ओलंपियाड कहां शुरू किया गया है, तो 44वां चेस ओलंपियाड कितना समय हो गया, 14 मिनट, 44वां। आज देखिए आपका समय बहुत दोस्तों कीमती है, तो इस चक्कर में आपके लिए मैं इतनी स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके इस बार 10 मार्क्स की जीके प्लस वो आ रहा, इसलिए आप थोड़ा सा कम इसको ध्यान दे रहे, लेकिन ध्यान दें प्लीज, इससे आपका स्कोर सिलेक्शन उन्हीं का हो जो सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे, नहीं तो फिर आपके लिए ही दिक्कत होने वाली है। तो महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु, ये भी मैंने आपको बताया अभी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहां से शुरू हुए, बर्मिंगम में हुए, ब्रिटेन में, ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न चले, उद्घाटन समारोह में, राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाए, अक्सर पूछा जाता है, तो किसे बनाया गया, पीवी सिंधु को। और इस बार आपका जो राष्ट्रमंडल खेलते उसमें आई थिंक क्रिकेट को भी शामिल किया गया था, और वहां पर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो मुझे याद आ रहा है। दुनिया का पहला
तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश किया? तो न्यूजीलैंड की संसद, जो अभी हाल ही में आप मैच देख कर आ रहे हैं, तो भारत और न्यूजीलैंड का भी आ रहा, तो आपने देखा होगा। ठीक है, इंग्लैंड के लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? आप सोचेंगे कोई नया होगा, लेकिन नहीं, सुनील गावस्कर। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, नाटो शिखर, नाटो का मुख्यालय ब्रजेस बेल्जियम में, लेकिन नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? मैड्रिड स्पेन में। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया था आपकी जसप्रीत बुमराह, आई थिंक 38 रन बनाए थे, ये टेस्ट की बात। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है विद्यान चंद राय जी के जन्म दिवस पर। 1 जुलाई 2017 को आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और 101वां संशोधन है, और जीएसटी जो है हमारे संविधान में 279 एक पर है, और इसके जो मतलब मुख्य होते हैं वो हमारी वित्त मंत्री होती है, जो निर्मला सीतारमण है। फिलहाल एनटीपीसी ने भारत को सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना कहां शुरू की है? तो इसका होगा तेलंगाना। तेलंगाना के आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। अगले प्रश्न की तरफ चले, किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित? अब यहां से एक प्रश्न और बनता है जो अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, किस राज्य का, ठीक है, किस राज्य को हर घर जल प्रमाणित किया जाए? तो गोवा है वो, लेकिन ये पूछ रहा देश नहीं होगा, बुरहानपुर देश पहला, मध्य प्रदेश का देश थोड़ी ना, यहाँ पर मिसप्रिंट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले, अगले प्रश्न खत्म हो चुका है, तो मैंने पूरी आपकी जुलाई की करंट अफेयर्स कोशिश की कि 15 मिनट में आपको पूरी कवर कराई जाए। ठीक है, तो वो जहां तक मैंने आपको करा भी दी है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, है ना, इससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसकी पीडीएफ मैं सुबह 10 बजे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कल मैं 101% जीके की मैराथन क्लास लेने वाला हूँ, जिसमें 2011 से लेकर के 18 तक जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आए आपको मैं कराने वाला हूँ। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, उससे आपकी जीके कवर हो, क्या पता इस बार पर्यावरण में जीके मिक्स आ जाए, जैसे उसमें आई थी, क्या नाम, अपने यूपी टेट और एसटेट में आती, तो उसी तरीके से देखने को मिल सकती है। तो किसी चीज को आप हल्के में ना ले। तो मिलते हैं, अगले जुड़े रहिएगा, बाय, थोड़ा सा टेक केयर, बाय।